सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन ताकि कोई खबर रह न जाए। और नाज़रीन आपको बताएं, लाहौर के जनरल अस्पताल से अचानक गायब होने वाली 22 साला तालबा के मामले का ड्राप सीन हो गया। पुलिस के मुताबिक ऐशा दिमाग की बीमारी की अद्वियात खाती हैं और वो ईडी सेंटर पहुंच गई थी। लड़की को 22 से मिलवा दिया गया। यूनिवर्सिटी जाते हुए 22 साला तालबा की बस में तबीयत खराब हुई थी, इसे रेस्क्यू 1122 के जरिए जनरल अस्पताल पहुंचाया गया। एमरजेंसी में लड़की होश में थी, फिर खुद उठकर चली गई। लड़की के वर्सा अस्पताल पहुंचे तो इन्हें लड़की नहीं मिली। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर ने लड़की का मुआयना किया और दवा लेकर दी। निसफ घंटे बाद लड़की चली गई। अस्पताल से जाने की सीसीटीवी वीडियोस भी सामने आई थी। जनरल अस्पताल लाहौर के एमएस डॉक्टर जाहिर हुसैन ने बताया कि दो रेस्क्यू एहलकार तालबा ऐशा को सुबह 8:30 बजे चुंगी अमर सिद्धू मेट्रो स्टेशन से लाए थे। तहम 2 घंटे बाद तालबा तेजी से अस्पताल से निकल गई। डॉक्टर जाफर के मुताबिक ऐशा होश में और सेहतमंद थी। 2 डॉक्टर्स ने इसका चेकअप किया था। उन्होंने मजीद कहा कि सीनियर प्रोफेसर का राउंड शुरू हुआ तो वो अचानक गायब हो गई। रेस्क्यू अहलकारों ने तालबा का बैग, किताबें और मोबाइल फ़ोन इसके वालदैन के हवाले कर दिया। ऐशा के वालदैन और रिश्तेदारों ने इसकी बाजियाबी के लिए जनरल अस्पताल के बाहर एहतजाज भी किया था।